ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने व उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जिला ओलंपिक संघ के तत्वाधान में विजय शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 8 जून से 11 जून तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति की अध्यक्ष समाजसेवी डॉक्टर वीना लवानिया ने संजय प्लेस स्थित निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि विजय शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्सी कशी, एथलेटिक्स व कुश्ती खेलों की प्रतियोगिता अकोला स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। विजय शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अकोला में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर बीना लवानिया ने बताया है कि इस खेल प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हरि सिंह यादव, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी जगवीर सिंह, युवा कल्याण खेल डिप्टी डायरेक्टर आदित्य कुमार, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुनील जोशी और वरिष्ठ खेल आयोजक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी केन कौशिक संरक्षक बनाए गए हैं। क्रीड़ा भारती के ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सत्यदेव पचौरी व कुश्ती संघ के संरक्षक राजकुमार चाहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। आयोजन सचिव की जिम्मेदारी जिला ओलंपिक संघ के सचिव राहुल पालीवाल संभालेंगे व उनका सहयोग संयुक्त सचिव उदय प्रताप भानु करेंगे। आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर वीना लवानिया ने बताया कि सभी खेल 8 से 11 जून तक अकोला स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मिलेगा, जिन्हें किसी भी खेल प्रतियोगिता के लिए आगरा या दूर शहरों में जाना पड़ता था। उदयीमान खिलाड़ियों को भी अपने ही क्षेत्र में खिलाड़ियों को जीता देखकर खेल से जुड़ने और खेलों के प्रति आकर्षित होने का मौका मिलेगा। उन्हीं के बीच से जब खिलाड़ी विजेता बनेंगे और सम्मानित किए जाएंगे तो क्षेत्र के लोगों और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। ग्रामीण अंचल में हम लोग एक खेल प्रतियोगिता करा रहे हैं और उसमें हम लोगों ने जो भी ग्रामीण क्षेत्र में खेल पॉपुलर हैं या उनके बीच ज़्यादा खेला जाता है वो गेम्स हमने इस प्रतियोगिता में रखे हैं और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। इसे अकोला मिनी स्टेडियम में रखा गया है, 8 से 11 जून तक ये कराई जाएगी। इसमें जैसा मैंने आपको बताया ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए खो खो, एथलेटिक और रेसलिंग, बॉक्सिंग अभी अभी हम लोगों ने इंक्लूड किया है और इसी प्रकार जो भी गेम्स वहाँ खेले जाते हैं उन्हीं गेम्स को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है और एक मंच देने का हम लोगों ने प्रयास किया है अपनी तरफ से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलें और अपने को इम्प्रूव करें। हाँ, हर खेल के लिए जो इसमें फर्स्ट सेकेंड पोजिशंस के लिए प्राइज मनी भी रखा गया है। टाइटल अवार्ड्स एक्चुअली क्या है कि हर गेम के रेसलिंग एसोसिएशन जैसे रेसलिंग में रेसलिंग एसोसिएशन इन्वॉल्व है, ओलंपिक एसोसिएशन इन्वॉल्व है जो एथलेटिक देखेंगे, तो हर एक गेम के जो अपने एसोसिएशन है उनके मुताबिक उसमें अलग अलग टाइटल और प्राइज मनी रखी गई है। जिला कुश्ती संघ के संरक्षक राजकुमार चाहर ने बताया कि इस बार कुश्ती में विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ साथ टाइटल से भी नवाजा जाएगा। 50 केजी भार वर्ग के विजेता को बाल केसरी, 60 किलो भार वर्ग के विजेता को जिला अभिमन्यु, 70 किलो भार वर्ग के विजेता को जाट वीर गोकुला, 80 किलोग्राम भार विजेता को जिला कुमार व 80 से 125 भार वर्ग के विजेता खिलाड़ी को जिला केसरी व महिलाओं में 60-60 किलोग्राम भार वर्ग में विजेता खिलाड़ी को जिला केसरी के अलंकरण से नवाजा जाएगा। संयुक्त सचिव उदय प्रताप भानु के अनुसार प्रविष्टि निशुल्क है। प्रविष्टि हेतु निशुल्क आवेदन पत्र सभी बीएलओ ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र के सभी इंटर व डिग्री कॉलेज व अकोला एसएस स्टेडियम में उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खिलाड़ी प्रविष्टि की अंतिम तारीख 5 जून तक अपने प्रविष्टि पत्र अकोला मिनी स्टेडियम में जमा करवा दें। इसी के साथ ऑनलाइन प्रविष्टि की भी व्यवस्था की जा रही है। पत्रकार वार्ता में आयोजकों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख व वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया खो खो, कबड्डी और कुश्ती, एथलेटिक, बॉक्सिंग अभी इंक्लूड हुआ जैसा अभी आप सभी लोग को पता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी भीड़ होने वाली है और एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत खिलाड़ी बनना चाहते हैं गांव से वो खुलकर सामने आएंगे। डीजी महाजनीश के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।